चलिए, तो अपन अभी उसी बल्ब के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बल्ब के बारे में बेसिक सी बात बता दी थी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, तो आपको सॉल्व करके बताना है जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। 250 वोल्ट 100 वॉट बल्ब इज यूज्ड इन 100 वोल्ट सप्लाई, फाइंड इट्स पावर। जल्दी बताइए, फाइंड इट्स पावर। फ्रैक्शन में बता देना, डेसिमल में चेंज करने की जरूरत नहीं, कर लो, मतलब कुछ है नहीं वैसे। जल्दी सॉल्व कीजिए, तो तब मैं अभी कर रहा हूं। ये उसका रेजिस्टेंस आ गया, ये रेटेड पावर थी, है ना, और ये रेटेड वोल्टेज थी। 100 वोल्ट पे पावर क्या आएगी, वी स्क्वायर बाय आर, तो 100 × 100 / 625। ये 25 बार में कैंसिल हुआ, चार चार कितना आ गया, 16 वोल्ट कितना आ गया, जस्ट सिंपली कैलकुलेट ही हो जाना है। तो ये 16 वोल्ट है, मतलब अगर मैं इसी बल्ब को, जो कि 100 वोल्ट का बल्ब था, अगर मैं इसे 250 वोल्ट के बदले 100 वोल्ट पे लगा दूं, तो ये कितने का बल्ब है, 16 वोल्ट का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार सिंपल सिंपल से क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछेंगे आपसे, किसी क्वेश्चन में यूज होगा, है ना, तो ये ध्यान दें, कुछ है नहीं इसमें। अब बल्ब में आगे चलते हैं ना, तो आगे जाके मिलता है अपने को बल्ब का कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, बल्ब्स का सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, हम ये कैसे मैं सीख रहे हैं ना, जब इन सब की रेटेड वोल्टेज सेम है, रेटेड पावर डिफरेंट डिफरेंट है, सेम रेटेड वोल्टेज वाले, सेम रेटेड वोल्टेज, सबकी वोल्टेज सेम है, तो हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। जब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बल्ब्स हैं, उनकी रेटेड वोल्टेज सेम है, पावर अलग अलग है, इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, सबकी वोल्टेज V है ना, सबकी रेटेड वोल्टेज कितनी है, V के बराबर, कुछ भी V0 है मतलब। तो मान लो इसको मैंने यहां किसी सोर्स के बाहर लगा दिया, तो ये इक्विवेलेंट कितने के बराबर होगा, सब ये P1 × V0, P2 × V0, P3 × V0, तो ये जो बनेगा P equivalent × V0, तो ये P equivalent कितना होगा, मतलब ये सब सेम रेटेड वोल्टेज वाले बल्ब मिलके उसी रेटेड वोल्टेज के कितने पावर के बल्ब बनाएंगे, कितने पावर का बल्ब बनाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल, मैंने क्या कहा था, बल्ब मतलब रेजिस्टर, सबका रेजिस्टर लिख लो और ऐड कर दो, ठीक। तो आप जानते हो कि R इक्विवेलेंट को अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखोगे, तो लिखोगे R1 + R2 + R3, अगर तीनों रेजिस्टर होते तो। अब R को P के फॉर्म में क्या लिखते हैं, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज, P1 P2 P3 क्या है, रेटेड पावर, V0 क्या है, रेटेड वोल्टेज, P करंट क्या है, रेटेड पावर। तो R को क्या लिखते हैं, V² / P इज इक्वल टू V² / P1 + V² / P2 + V² / P3, सबका रेजिस्टेंस निकाल लिया, V0 है, ये V0² कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 / P equivalent इज इक्वल टू 1 / P1 + 1 / P2 + 1 / P3। ये रहा बल्ब के सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट, 1 / P इज इक्वल टू 1 / P1 + 1 / P2 + 1 / P3।
तो इसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं। पहले मैं सीरीज पैरेलल का सिंपल रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत जहां आती है वो बताऊंगा, है ना। ये बल्ब्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होती है? सेम करंट, जानते हैं, पैरेलल में आ जाते हैं। इस पार्ट में दिक्कत नहीं आती, जिसको तो लोग याद रख लेते हैं। सीरीज पैरेलल बल्ब का रेजिस्टेंस है उल्टा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब वो सब सेम पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस लग रहे हैं। जैसे अपने घरों में लगा होता है, अपने घरों में जो सर्किट या वायरिंग होती है ना, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है ना, सब सेम लाइव और न्यूट्रल के बीच लगे होते हैं। ये पैरेलल में लगे हुए हैं ना, ये पी वन, ये वी नॉट, ये पी टू, ये वी नॉट, ये पी थ्री, ये। अच्छा, ये हम जानते भी हैं। जब घर में तीन बल्ब लगे होते हैं तो अपने से पूछा जाए, बताओ टोटल कितनी पावर है उन सबकी, सबकी पावर का ऐड कर लेते हैं। तो वही तो करना है, ये पी इक्विवेलेंट इनटू वी नॉट। तो ये तीनों रेजिस्टर पैरेलल में, बल्ब मतलब रेजिस्टर, तो तीनों रेजिस्टर कैसे हैं? पैरेलल में। तो आप क्या लिखोगे? वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। आर इक्विवेलेंट होता है वी स्क्वायर अपॉन पी, तो वन अपॉन आर होगा P equivalent upon V naught square is equal to P1 upon V naught square plus P2 upon V naught square plus P3 upon V naught square। फिर से V naught square कैंसिल होगा और P equivalent आएगा P1 plus P2 plus P3। मतलब एक 100 वॉट का बल्ब है, एक 50 वॉट का बल्ब है, एक 40 वॉट का बल्ब। टोटल पावर क्या होगी? 100 प्लस 50 प्लस 40, कितना हो गया? 190। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, बल्ब का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालना। मिक्स पूछे तो कुछ सीरीज कुछ पैरेलल में होंगे, तो इस पे कोई लफड़ा होता ही नहीं है कि भाई इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, पूछते भी नहीं है इसका, है ना। ये 10th क्लास में पूछा करते थे कि बताओ बल्ब के सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट क्या है। यहाँ क्या पूछते हैं बताऊंगा, जल्दी से इसको पहले नोट कीजिए, दोनों को जल्दी से नोट कीजिए। जैसा बल्ब का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वैसा ही हीटर का भी होगा। भाई हीटर और बल्ब में क्या अंतर है? दोनों ही करंट के हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है या करंट के थर्मल इफेक्ट पे बेस्ड है। अंतर ये होता है कि बल्ब में उस थर्मल इफेक्ट से लाइट मिल रही होती है और हीटर में उस थर्मल इफेक्ट से हीट एनर्जी मिल रही होती है ना, बस इतना सा डिफरेंस होता है, और कोई डिफरेंस नहीं होता। तो कल को आपको हीटर का भी सीरीज पैरेलल पूछे तो वो भी ऐसा ही होगा। आपसे कह दें ये हीटर्स लगे हुए हैं H1 H2 H3, तो बताओ उनका सीरीज क्या होगा? तो सीरीज होगा 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 प्लस 1 अपॉन H3, और पैरेलल में H1 प्लस H2 प्लस H3। तो हीटर और बल्ब इनकी कहानी सेम रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो तुम्हारे पास ना कुछ बल्ब लगे हुए हैं, तीन बल्ब लगा देता हूँ, ये 100 वॉट, 220 वोल्ट ही मान लो, ये भी, ये 50 वॉट, ये भी 220 वोल्ट, और ये 60 वॉट, ये भी 220 वोल्ट। ये तीन बल्ब हैं, इनकी रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज लिखी हुई है, और मैंने इसको बाहर से लगा दिया 220 वोल्ट के सप्लाई पे। कहाँ लगा दिया? 220 वोल्ट के सप्लाई पे। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, विच बल्ब विल गिव मोर ब्राइटनेस? किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट ब्राइटनेस, है ना। और या फिर ऐसे कह सकते हैं आपको, अरेंज द बल्ब्स, अरेंज द बल्ब्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। तो बताना है सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, फ्रिन बल्ब को ब्राइटनेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये अपना B1 है, ये अपना B2 है, ये अपना B3 है। अच्छा,
अच्छा ये तीनों में से कोई बल्ब फ्यूज तो नहीं होगा अभी इस केस में, ये मुझे पता है। क्यों? क्योंकि तीनों 220 वोल्ट तक ऑपरेटिंग तो होता ही है, लिखा हुआ है, और मैंने बाहर से 220 ही लगाया है, तो इन तीनों पे जो वोल्टेज आएगी वो 220 से तो कम ही आने वाली, तो इन तीनों में से कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, है ना। फ्यूज होगा या नहीं होगा कैसे डिसाइड करेंगे? तो भाई ये भी ध्यान रखना कि मान लो अभी जो तुमने कुछ देर पहले किसी ने पूछा भी था कि वो रेटेड पावर का, तो अगर वो कह देते हैं ना कि 220 वोल्ट है, मतलब अगर वो ऐसा मान लेंगे कि 220 से ज्यादा पे वो फ्यूज हो जाएगा, अगर वो फ्यूजिंग के बारे में पूछ रहे हैं, तो वैसे तो ये कहना गलत है। वो 220 वोल्ट की अपन बैटरी लगा रहे हैं, वो एसी सोर्स होता है, वहाँ एसी सोर्स के अकॉर्डिंग उसकी टॉलरेंस देखते हैं, तो अगर वहाँ पे एसी की आरएमएस वैल्यू बढ़ती है तो पीक वैल्यू भी बढ़ती है। बट अगर कभी ऐसे में बल्ब की फ्यूजिंग के बारे में पूछ लें, तो मान लेना कि अगर इससे ज्यादा वोल्टेज पे उसके क्रॉस हो गई तो फ्यूज हो जाएगा। वैसे अच्छे क्वेश्चन में लिखा होता है कि बल्ब विल फ्यूज ए वोल्टेज अक्रॉस इट एक्सीड्स 220 वोल्ट, तो ही वो फ्यूज का क्वेश्चन पूछते हैं। ना लिखा हो कभी तो मान लेना कि जो वोल्टेज दे रखी है इससे ज्यादा रहोगा तो फ्यूज कर देगा, है ना। वैसे कहना 100% सही नहीं है, कायदे से लिखना चाहिए, है ना। तो सुनो ध्यान से, अभी मैं ब्राइटनेस डिस्कस कर रहा हूँ, पहले कौन ज्यादा ब्राइट होगा, है ना। एक तो अपने दिमाग में आता है कि 100 वाले ज्यादा ब्राइट होगा, कि 100 वॉट का बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस होगा, ऐसा नहीं होता। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुनो बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा था तुमसे कि बल्ब के क्वेश्चन में कभी भी फंसो तो बल्ब का मतलब रेजिस्टर है ना, ज्यादा ब्राइटनेस मतलब वो ज्यादा एनर्जी दे रहा। अगर मैं किसी भी बल्ब के बारे में बात करूं कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट, जहां वी नॉट क्या है उसकी रेटेड वोल्टेज, वी नॉट क्या है उसकी रेटेड पावर। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है ना, तीनों के लिए वोल्टेज तो सेम है ना, कौन सी वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज। तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेटेड पावर, मतलब जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होती है उसका फिलामेंट रेजिस्टेंस कम होता है ना। मतलब यहाँ पे जो 100 ओम का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जो 50 वॉट का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा। और सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। क्या चीज सेम होती है? करंट। तो तीनों में करंट सेम है। अगर मैं पावर लिखूं, कौन सी पावर? पावर कंज्यूम या पावर गिवन बाय द रेजिस्टर्स। तो आप इसको लिखोगे सर आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर, रेजिस्टर है ना, तो रेजिस्टर की पावर क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर आर, रेटेड वैल्यू भूल जाओगे, आई स्क्वायर आर। तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो उसकी गिवन पावर ज्यादा, और जिसकी गिवन पावर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा पावर देगा, इसका मतलब उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, और ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है? जिसकी रेटेड पावर कम होती है, जिसकी रेटेड पावर कम होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब ऐसे लगे हो तो जिस बल्ब की रेटेड पावर ज्यादा कम होती है, कम रेटेड पावर वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा, तो अगर उनमें सेम करंट जाएगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आई स्क्वायर आर से वो ज्यादा पावर भी देगा, और अगर ज्यादा पावर देगा तो वो ज्यादा ब्राइटनेस के साथ शाइन करेगा। ध्यान रखना ये बात, सही, बहुत लोग याद भी रख लेते हैं, मैंने आपको समझा के बताया। ऐसा होता है कि करंट सेम है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा पावर देगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में कम पावर वाला बल्ब ज्यादा शाइन करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कम पावर वाला बल्ब ज्यादा शाइन करता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन था अपना कि कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा शाइन करेगा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा अपना 50 वॉट वाला बल्ब। और जो दूसरा क्वेश्चन है B1 B2 B3 की टर्म में, इसका आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। तो B2 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा, उससे कम ब्राइटनेस B3 की, और सबसे कम ब्राइटनेस B1। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी? B2 की, उससे कम B3 की, और सबसे कम B1 की। क्या याद कराया मैंने? कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जिस बल्ब की पावर, रेटेड पावर सबसे ज्यादा होती है, उसकी ब्राइटनेस सबसे कम होती है। या मैं कहूँ तो कौन शाइन होता है सबसे ज्यादा?
वही सबसे ज्यादा शाइन होता है जो जिसकी रेटेड पावर सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें करंट सेम जा रही है, तो हम पावर कैसे देखेंगे, आई स्क्वायर आर से, कौन सी पावर कितनी पावर वो दे रहा है या सप्लाई या यूज करता है ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन में ना एक बार और ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सुनना। ये दो बल्ब आपको दे रखा है, ये बल्ब है 100 वॉट का और ये 220 वॉट, और ये बल्ब है 60 वॉट का और ये भी है 220 वॉट, और इसको मैंने लगा दिया ना एक चार सौ चालीस वोल्ट के सप्लाई। सिंपल क्वेश्चन है ना, कहाँ लगा दिया, 440 वोल्ट के सप्लाई, और हमसे कह रखा है कि अगर बल्ब की वोल्टेज 220 एक्सीड हो गई तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। हमसे कह रखा है कि बल्ब की जो टॉलरेंस है वो भी 220 वोल्ट है, मतलब अगर बल्ब की वोल्टेज 220 से ज्यादा हो गई तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछते हैं विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड। ध्यान से सुन लो भाई, विच बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। वापस ध्यान से सुनो, है ना, वो बल्ब फ्यूज होगा जिसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो उसकी रेटेड वोल्टेज को एक्सीड कर जाएगा। तो अगर इन दोनों की पावर इक्वल होती, ध्यान से देखना, टोटल वोल्टेज मैंने 220 की दुगनी ली है ना, दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं, तो अगर इन दोनों की पावर इक्वल होती तो मैं कहता कि दोनों पे वोल्टेज 220 220 आ जाती है ना, आधी आधी बढ़ जाती, बट दोनों की पावर इक्वल नहीं है। इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ V1 होगी और इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ V2 होगी। इसको मैं 1 नाम दे रहा हूँ, इसको मैं 2 नाम दे रहा हूँ। क्या सेम होगी इसमें करंट, बहुत ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। मैं ये तो पक्के से जानता हूं कि अगर 1 की 100 वॉट पावर है और 2 की 60 वॉट पावर है तो 1 का रेजिस्टेंस कम होगा 2 के रेजिस्टेंस। ये अपन ने पीछे सीख लिया, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। अब अगर मैं V1 लिखूं तो V1 को लिखूंगा IR1, और V2 लिखूं तो V2 को लिखूंगा IR2। तो मैं यहां से कह सकता हूं जो V1 आएगा वो भी V2 से कम आएगा, जो V1 आएगा वो भी V2 से कम आएगा, मतलब R1 R2 से कम और V1 की वैल्यू V2 से कम, ये पता चल गया। मतलब इस बार V1 V2 इक्वल नहीं है, 440 वोल्ट दोनों के बराबर आ रहा नहीं, बढ़ सकता, एक पे कम और एक पे ज्यादा। तो जरा सोच के देखो, अगर बराबर बराबर बढ़ता तो दोनों पे 220 आता, कितना आता, दोनों पे 220 आता। अब V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा है, मतलब V2 वाले पे 220 से ज्यादा आएगा और V1 वाले पे 220 से कम आएगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैसे देखना, कैसे निकालेंगे, R1 upon R2 is equal to P2 upon P1, उनकी रेटेड पावर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और क्योंकि ये सीरीज में है V equal to IR, तो V1 upon V2 है ना, तो V1 upon V2 is equal to R1 upon R2 is equal to P2 upon P1। तो मैं अगर सिंपल वोल्टेजेस को बांटना चाहूँ तो वोल्टेज पावर के इन्वर्स रेशियो में बटेंगे, तो आप सीधा लिख सकते हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ। V1 upon V2 is equal to P2 upon P1, मतलब 60 upon 100, मतलब 3/5। तो यहाँ से V1 की वैल्यू आएगी 3/8 × 220, सॉरी 440, है ना, और जो V2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/8 × 440। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V2 की वैल्यू V1 से ज्यादा आएगी, और ये जो वैल्यू आ रही है ना ये 220 से ज्यादा आ रही है, और ये वैल्यू 220 से कम आ रही है अगर आप देख पा रहे हो तो। बेटा अगर वो 4/8 होता ना तो वो 220 होता, एक में वो 3/8 है मतलब ये लेस देन 220 है, और एक में ये 5/8 है मतलब ये ग्रेटर देन 220 है, तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, तो आंसर है 2 बल्ब 2। अब तुम कहोगे सर ये तो लफड़ा हो गया, बहुत सिंपल है, याद रखना मैंने क्या सिखाया, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस दे देता है, कम पावर वाला, जो ज्यादा चमकेगा वही फ्यूज भी होगा,
भाई सिंपल सी बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट होता है, कौन सा ज्यादा शाइन करता है, कम पावर वाला, तो फ्यूज होने के चांसेस भी किसके हैं, कम पावर वाले के। ये रहा देखो 60 वाट वाला फ्यूज हो रहा है, ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके अभी देखना हो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा कौन सा नहीं होगा, तो वो ऐसे कर सकते हैं। कैसे कि जो वोल्टेज का जो रेशियो होगा उनके क्रॉस, वो पावर के इनवर्स रेशियो में होगा। यहाँ से आप टोटल वोल्टेज कितना कितना आएगा उसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। एक बार आपने वोल्टेज बता दी, अगर वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा आ गई तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, अगर वो रेटेड वोल्टेज से कम आई तो वो बल्ब फ्यूज नहीं होगा, है ना। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो कम पावर वाला है वो ही ज्यादा ब्राइटनेस देता है, तो जो ज्यादा चमक रहा होगा वही पहले फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात थी, जो टेंशन थी इसमें थी, पैरेलल में ऐसी कोई टेंशन नहीं आती, पैरेलल में स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे कुछ बल्ब पैरेलल में लगा दिए हैं, तो जिसकी पावर ज्यादा होगी तो वही ज्यादा शाइन करेगा। और फ्यूज तो अगर मैंने ज्यादा वोल्टेज लगा दी ना, सब पे वोल्टेज सेम जानी है, तो जिसकी जिसकी वोल्टेज एक्सीड करेगी सब फ्यूज हो जाएंगे। मान लो ये 100 वॉट है, 220 वोल्ट, ये वही 50 वॉट, 220 वोल्ट, और ये 60 वॉट और 220 वोल्ट, और ये 220 वोल्ट। तो 100 वॉट वाले की इसको बल्ब 1 दे रहा हूँ ना, इसको बल्ब 2 दे रहा हूँ, इसको बल्ब 3 दे रहा हूँ, तो ब्राइटनेस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन ब्राइटनेस ऑफ 2। ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज सेम है, तो वापस आप उस लॉजिक से भी सोच सकते हो कि इसमें पावर को क्या लिखोगे, पावर गिवन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। क्यों वी स्क्वायर बाय आर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबके पास वी सेम है, तो जिसका आर ज्यादा उसकी गिवन पावर कम है ना, तो गिवन पावर आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आर जो होती है रेटेड पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतना सोचने की जरूरत भी नहीं, पैरेलल हम अपने सामने ही देखते हैं, तो सिंपल अपन जानते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि जो ज्यादा पावर का बल्ब हो ज्यादा ब्राइटनेस देगा, बल्ब ऑफ मोर पावर विल गिव मोर ब्राइटनेस। और अगर मैंने इन सब के बाहर जो सोर्स लगाया है उसकी वोल्टेज मैं इनकी रेटेड या ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड कर दूं, तो जिसकी जिसकी एक्सीड होगी वो सब फ्यूज हो जाएंगे। मान लो मैं बाहर से वोल्टेज 240 लगा दूं, तो मान लो और कह रखा है कि तीनों 240 पे फ्यूज हो सकते हैं, तो तीनों के तीनों फ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो ये सिंपल सी कहानी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसमें कुछ खास है नहीं, जल्दी से लिख लीजिए। जो भी लफड़ा होता है वो सीरीज वाले में होता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है, पता नहीं वो क्यों मुश्किल लगने लगता है बच्चों को। मैंने वापस एक बात बोली है उसका ध्यान रखिएगा, बल्ब मतलब रेजिस्टर। कभी भी तुम्हें लगे बल्ब का कोई नया क्वेश्चन आ गया, समझ नहीं आ रहा, बल्ब को रेजिस्टर में चेंज कर लेना, आर निकाल लेना वी स्क्वायर बाय पी से, फिर तुम्हें आर के लिए सब सॉल्व करना आता है, पावर निकालनी हो, करंट निकालनी हो, वोल्टेज निकालनी हो, तुम्हें सब सिखा। तो बल्ब मतलब रेजिस्टर, दिस इज द थंब रूल टू सॉल्व एनी न्यू और डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ बल्ब, है ना। 10 सेकंड दे रहा हूँ, इसको जल्दी से लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चन और करेंगे। एक टाइप का सवाल है, पता नहीं कई बार उसमें दिक्कत आने लग जाती है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है ना कि दो हीटर हैं, टू हीटर्स टेक टाइम T1 एंड T2, दो हीटर हैं जो T1 T2 टाइम लेते हैं, टू हीटर्स टेक टाइम T1 एंड T2 टू रेज
टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर टू हीटर्स टेक टाइम टी वन एंड टी टू टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम 20 degrees Celsius to 50 degrees Celsius when used separately. मतलब समझ में आ गया कि दो हीटर हैं, वो पहले वाले को यूज किया तो उसी पानी को 20 से 30 50 गर्म करने में T1 टाइम लगता है, सिर्फ दूसरे वाले को यूज किया तो उसको T2 टाइम लगता है. फाइंड टोटल टाइम टेकन टू हीट द सेम सैंपल फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस व्हेन फर्स्ट क्वेश्चन हीटर्स आर यूज्ड इन सीरीज दूसरा क्वेश्चन हीटर्स आर यूज्ड इन पैरेलल पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको डिस्कस करेंगे. सब लोग एक दो मिनट दिमाग लगाओ. क्या कहा गया है हमसे कि सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, क्या चीज सेम रहेगी? टोटल हीट इतनी हमें चाहिए. मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट चाहिए मुझे इतने पानी को गर्म करने के लिए, तो चाहे वो सिर्फ वन से करें, टू से करें, इनके सीरीज से करें, इनके पैरेलल से करें, क्यू तो सेम मिलेगा, है ना. और उस क्यू को मैं अगर फर्स्ट से लिखूं, मान लो क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इसको मैं ऐसे लॉजिक का सवाल है सिंपल. इफ क्यू हीट इज रिक्वायर्ड तो मैं Q को फर्स्ट वाले के हिसाब से लिखूं तो पावर इंटू टी वन लिख सकता हूँ, भाई पावर इंटू टाइम उसकी हीट, और इसी Q को मैं P2 इंटू टी टू लिख सकता हूँ, पावर इंटू टी वन और पावर इंटू टी टू. और यहां से जो P1 को लिखूंगा तो P1 को लिख सकता हूँ Q अपॉन टी वन, और P2 को लिख सकता हूँ Q अपॉन टी टू. ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, सिंपल सी बात है. ज्यादा पावर का हीटर होगा वो उतने पानी को कम टाइम लगेगा. तो पहला क्या पूछा था, सीरीज के लिए. तो सीरीज में क्या आता है पावर का रिलेशन, तो 1 अपॉन P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2. P को Q के टर्म में, अच्छा यहां भी हीट तो उतनी चाहिए होगी, तो P को लिखेंगे Q बाई T, तो ये आएगा T इक्विवेलेंट अपॉन Q is equal to 1 upon P1, तो T1 upon Q plus T2 upon Q, my same Q required होगा, Q cancel हो गया, कितना आ गया, T equivalent is equal to T1 plus T2. और दूसरा parallel से सोच के देख लो, parallel में क्या होगा, तो parallel में क्या होता है, P equivalent is equal to P1 plus P2, P equivalent, तो क्या लिखोगे, Q equivalent upon T equivalent, sorry, Q upon T equivalent is equal to Q upon T1 plus Q upon T2. Q cancel हो जाएगा और ये बचेगा 1 upon T equivalent is equal to 1 upon T1 plus 1 upon T2. और ऐसे भी सोचो ना, पावर उसकी ज्यादा होती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, है ना, पावर उसकी ज्यादा होती है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी पावर ज्यादा उसको टाइम कम, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी कम और टाइम भी कम. तो जैसा रिलेशन रेजिस्टेंस का आता वैसा है रेजिस्टेंस टाइम का भी आना. देखो सीरीज में रेजिस्टेंस आता R इक्वल टू R1 प्लस R2, टाइम भी आया T इक्वल टू T1 प्लस T2. पैरेलल में रेजिस्टेंस आता 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, तो टाइम भी क्या है, 1 बाय T इज इक्वल टू 1 बाय T1 प्लस 1 बाय T2. तो ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो जल्दी लिख लीजिए. इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे पहले ना एक दो छोटे छोटे से कंसेप्ट बीच बीच में आते हैं,
वो सिखा देता हूँ, यहीं पे काम आते हैं। ये पावर हो गया है ना, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का पार्ट हो गया, तो अपने को उसमें चलना है। उसके पहले ना एक आध क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूँ सर्किट के, देखना ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन कई बार तुम्हें दिखेगा। सिंपल सा ही है, कंसेप्ट सिखाना है उसके लिए दे रहा हूं। ये 12 वोल्ट, ये 4 ओम, डेटा सिंपल ले लेता हूँ। ये 18 वोल्ट और ये 9 ओम, ये 5 वोल्ट और ये 4 ओम है ना भाई। और यहाँ पे अर्थ कर दिया है, ठीक है। मतलब ये दो अलग अलग लूप थे, उसको मैंने एक ब्रांच से कनेक्ट कर दिया। तो तुमसे पूछते हैं, अर्थ किया मतलब इसका पोटेंशियल 0 हो गया। इस पॉइंट का पोटेंशियल ए पॉइंट का, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का। पूछते हैं फाइंड पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स ए बी कॉमा सी। दूसरा फाइंड करंट इन द ब्रांच ए बी। एक्चुअली ये पहला है और ये दूसरा है, फाइंड करेंट इन द ब्रांच ए बी। जरा सॉल्व कीजिए इसको, सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए, फिर मैं बताऊंगा। 2 मिनट का टाइम। कैलकुलेशन सिंपल रखी है मैंने, बस एक कंसेप्ट सिखाना है उसके लिए दिया है। एक छोटा सा चेंज कर लो, ए इसको मत मानो, ए इसको मानो और इसको कुछ डी मान लो और इस ए बी को डी बी लिख लो। बाकी पोटेंशियल तो आपको ए बी सी के ही बताने हैं। फाइंड करेंट इन द ब्रांच डी बी और फाइंड पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट्स ए बी। क्योंकि ए का पोटेंशियल तो वहीं से 0 हो जाता, तो मजा नहीं आता। वो क्वेश्चन भी सही था। इस ब्रांच में डी से बी में कोई करंट नहीं जाएगी। देयर विल बी नो करंट इन द ब्रांच डी बी। मतलब ये कंसेप्ट क्या है उसमें बताऊंगा क्यों है, कि अगर दो लूप को, दो डिफरेंट लूप को मैं एक तार से कनेक्ट कर दूं एक ही जगह, तो उस तार में कोई करंट नहीं जाएगी। इस लूप में इसकी, लेफ्ट वाले लूप में लेफ्ट वाले लूप की करंट फ्लो होती रहेगी, राइट वाले लूप में राइट वाले की। इन दोनों लूप को मैंने जो डी और बी पॉइंट से बैटरी रेजिस्टर से कनेक्ट किया है, एक जगह कनेक्ट, हाँ मैं यहां भी कनेक्ट कर देता तो करंट फ्लो होने लग जाता। लेकिन अगर मैंने दो लूप्स को डिफरेंट एक पॉइंट पे कनेक्ट किया है या एक वायर से कनेक्ट किया है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बताता हूं। बैटरी जो है ना, वो सिर्फ चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करती है, वो करंट जनरेट नहीं करेगी। मान लेते हैं यहां से कुछ I1 करंट आती है, यहां तक तो I1 आएगी। मान लो बैटरी से के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट निकली, तो यहां से I1 है। अब इसी जंक्शन पे सोचना है, अब अगर बैटरी से I1 करंट निकल रही है तो बैटरी में I1 करंट इंटर भी होनी चाहिए। बैटरी सिर्फ क्या करता है,
उन चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करता है। बैटरी ऐसा नहीं है कि बैटरी के पास 2 एम्पीयर करंट आ रही होगी और 5 एम्पीयर भेज रहा होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, बैटरी ओवर न्यूट्रल होता है। तो बैटरी के पास 5 एम्पीयर आएगा तो 5 एम्पीयर जाएगा, 10 एम्पीयर आएगा तो 10 एम्पीयर जाएगा, 15 एम्पीयर आएगा तो 15 एम्पीयर। बैटरी सिर्फ उन चार्ज कैरियर्स को एनर्जी दे देती है। तो अगर बैटरी से I1 करंट निकल रही है तो बैटरी में I1 करंट जानी भी चाहिए। अब जरा सोच के देखो, इस जंक्शन पे इधर से I1 करंट आई और लेफ्ट की तरफ I1 चली गई, इसका मतलब इधर करंट कितनी गई, 0। सिमिलरली यहाँ भी मान लेते हैं यहाँ से I2 करंट आई, वापस वही कहानी, यहाँ से I2 करंट आई, यहाँ से I2 करंट। अगर I2 करंट बैटरी से निकल रही है तो I2 करंट बैटरी में एंटर भी होनी चाहिए। तो I2 करंट निकल रही है, I2 करंट एंटर हो रही है, तो यहाँ की तरफ कोई करंट नहीं गया। यही बेटा अगर दो एक जगह और मिला जाता ना तो ऐसा हो सकता था कि यहाँ और यहाँ दिस प्लस दिस और फिर यहाँ और यहाँ, यहाँ ही करंट मिलकर इनके इक्वल हो जाती है ना। ऐसा अगर बना देता मैं साइड में सर्किट, ऐसा कुछ यहाँ भी कनेक्ट कर देता तो हो सकता है यहाँ ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होती और यहाँ ये फिर से मिलती और ये दोनों, मतलब ये करंट ये I1 है तो ये तो I1 होगा ही, तो ये हो सकता है I1 इन दो पार्ट्स में यहाँ डिवाइड होता और फिर इन दोनों करंट का समिंग करके I1 हो जाता, वो हो सकता था। बट अगर दो सर्किट्स को एक ही पॉइंट पे कनेक्ट करें तो उस ब्रांच में कभी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, ध्यान रहे। ठीक, तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन था इसका आंसर तो आ गया 0। बचता है अब सेकंड पार्ट अब आसान है। तो सिंपली क्या हो गया, हर लूप में अपनी अपनी करंट फ्लो हो रही है। इस लूप को देख लो भाई, लेफ्ट वाले लूप में यहां से चलोगे तो 12 वोल्ट की बैटरी है, 4 ओम का रेजिस्टर है, तो जो I1 की वैल्यू है वो कितनी है, 12/4, 3 एम्पीयर, और I2 कितना है यहाँ, 18/9, 2 एम्पीयर। सिंपली केवीएल लिखना चाहते हो, केवीएल लिख लो, या मुझे दिख ही रहा है कि भाई जब राइट वाले लूप की करंट राइट में फ्लो हो रही है, लेफ्ट वाले लूप की करंट लेफ्ट में फ्लो हो रही है, उस जुड़ने से करंट में कोई चेंज नहीं होगा, तो लेफ्ट वाले करंट सेपरेटली निकाल ली वी बाया, राइट वाले की सेपरेट निकाल ली वी बाया, है ना। तो ये तो करंट की कहानी है। अब मुझे ए बी सी के पोटेंशियल लिखना है, ध्यान से देखिए। इसका पोटेंशियल 0 क्योंकि ये अर्थ है ना? इसका पोटेंशियल 0, यहां से करंट तो ऐसे जा रही थी तो मैं करंट के ऑपोजिट गया, या यहां से चलो तो 0, ये 0, ये +12, तो इसका पोटेंशियल कितना है, +12 वोल्ट। ए का पोटेंशियल कैसे, यहां से 0, ये 0, यहां से 12 वोल्ट की बैटरी क्रॉस किया +12, या यहां से 4 × 3 I × R, यहां से जाओगे तो I × R 12 वोल्ट। ठीक है भाई, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना है, 0 डी का। डी से इस पॉइंट पे आएंगे तो 0 - 5, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, -5 वोल्ट। इस 4 ओम के रेजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इस 4 ओम के रेजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं आएगा। तो अगर इसका पोटेंशियल -5 है तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, -5 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल -5 है और ये +18 है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, -5 + 18, मतलब +13 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल -5 हुआ, 0 - 5, इस 4 ओम के रेजिस्टर में जो इस ब्रांच में लगी हुई है, क्योंकि कोई करंट नहीं है तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसका पोटेंशियल भी -5 होगा और ये -5 और +18 कितना हो गया, +13। अब आप इस रेजिस्टर को ऐसे सोच के देखो, इसके इधर का पोटेंशियल कितना, 13, इसके इधर का पोटेंशियल कितना, -5, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 18 वोल्ट। 18 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 9 ओम का रेजिस्टर, तो 2 एम्पीयर की करंट। हिसाब किताब सब बराबर है, ये कांसेप्ट मुझे तुम्हें सिखाना था। अगर दो डिफरेंट लूप्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट किया जाए तो उस ब्रांच से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। पहला इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे मीटर ब्रिज, क्योंकि इसका आधा हम पढ़ चुके हैं, वो आधा है व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर एक दिन में थोड़ा थोड़े बहुत और क्वेश्चंस करवाऊंगा, बट पहले आज मीटर ब्रिज पढ़ लेते हैं। मीटर ब्रिज बिल्कुल सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वर्क्स ऑन द principle of
व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज कहने का मतलब है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज नल पॉइंट या नो डिफ्लेक्शन मेथड, है ना, नो डिफ्लेक्शन मेथड, नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। ध्यान से सुनिए क्या होता है। बेसिक एपरेटस होता है, एक ऐसा फ्रेम होता है मेटल का, सॉरी एक ऐसा मेटल का फ्रेम होता है, इसमें दो गैप होते हैं, मेटलिक फ्रेम होता है, इसमें दो गैप होते हैं, यहां से यहां तक एक एक मीटर का यूनिफॉर्म वायर लगा होता है, एक मीटर का, इस वायर की लेंथ फिक्स है, लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर, इसी वायर के कारण इसका नाम मीटर दे चुके, क्योंकि तार जो होता है वो 1 मीटर का होता है, है ना। यहां से कुछ स्क्रूज लगे होते हैं, कनेक्टिंग स्क्रूज, है ना, फिर और क्या होता है, यहां बाहर से एक सेल लगाते हैं, साथ में अपने पास रियल स्टेट होता है या वेरिएबल रियल स्टेट होता है, ठीक, ये कुछ वी वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रियल स्टेट है, आरएच लिख लिया, और यहां से यहां एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ध्यान से सुनते जाने, ये दो गैप हैं, एक गैप में हम एक नॉन रेजिस्टेंस लगाते हैं, और दूसरे गैप में हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगाते हैं, ना, बाहर से बैटरी लगा रखी है। नॉन रेजिस्टेंस कहां से आता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से, नॉन रेजिस्टेंस कहां से आता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, सबने देख रखा होगा आई थिंक, रेजिस्टेंस बॉक्स कुछ भी नहीं होता है, ऐसा बक्सा होता है जिसके ऊपर बहुत सारी ऐसी कीज बनी होती है, इसमें जिस की को आप खींच लोगे वो की एक्टिवेट हो जाएगी, है ना, जैसे उस पर 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, 500 ओम, ऐसे करके खूब सारी ऐसे देखोगे ब्रास की कीज होती है कैप के साथ, जिस की को आप बाहर खींच लोगे वो रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है, जैसे आपको मान लो आपने 50 ओम और 10 ओम खींच लिया तो 60 ओम एक्टिवेट हो गया, है ना, तो ऐसे करके आप जिन कीज को खींच लोगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपको वो नॉन रेजिस्टेंस कैसे पता है कि आपने जो जो की वहां खींच रखी है उसकी वैल्यू आपको, आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दिया जाता है कि बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना, तो ध्यान से सुनना क्या करते हैं, यहां लगी होती है अपना गैल्वेनोमीटर का एक एंड, यहां लगा होता है उसका दूसरा एंड, है ना, सॉरी लगा नहीं होता है, यहां पे वो एक जॉकी के थ्रू कनेक्टेड होता है, जॉकी को इस वायर पे, यूनिफॉर्म वायर पे मूव करा सकते हैं, क्या करते हैं कि इसको यहां ना, यहां से ना मूव कराना स्टार्ट करते हैं, इस जॉकी को यहां से मूव कराना स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट मिलता है कहीं जाके जहां ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, क्या होगा, जहां जाके ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उस पॉइंट को बोलेंगे कि वो ऐसा पॉइंट मिल गया जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो, कौन सा व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा रेजिस्टेंस ये, मान लो यहां कहीं बैलेंस हो रहा है तो तीसरा रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस यहां से यहां, और चौथा रेजिस्टेंस यहां से यहां तक इस वायर, तो अगर मैं कहूं कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये जो हमने व्हीट स्टोन ब्रिज का बेसिक सा रिलेशन सीख रखा है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाए। अच्छा ये पॉइंट ऐसा एक बार में अचानक से नहीं मिलता है ना,
हो सकता है इधर यहाँ पे आपने चौकी रखी तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन एक तरफ दिखा रहा है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, तो इनके बीच कहीं वो पॉइंट अपने को हिट एंड ट्रायल से ढूंढना होता है। ठीक, तो बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जहां जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होगा या गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। मान लो वो इस लेफ्ट वाले एंड से एक्स सेंटीमीटर, अच्छा एक्स सेंटीमीटर मिलेगा कैसे, तो ये जो वायर होता है ना इसके नीचे एक मीटर लगा होता है, मतलब इसके नीचे एक स्केल लगी होती है, उस स्केल पे आप इसकी वैल्यू रीड कर सकते हो। तो बेटा अगर यहाँ बैलेंसिंग पॉइंट मिला है, बैलेंसिंग पॉइंट मिलने का मतलब, नल पॉइंट मिलने का मतलब इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। तो अगर ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस एक्स, कितनी होगी 100 माइनस एक्स। अच्छा ये यूनिफॉर्म वायर है ना, तो वायर का रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन ए, तो इस पूरे वायर का रो सेम होगा और एरिया सेम होगा, तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो कहीं ना कहीं से इनके लेंथ के रेशियो में होगा। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि फॉर बैलेंसिंग क्या लिखोगे, आर नोन अपॉन एक्स या आर बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना, अपॉन इसको एक्स मत मानो, एक्स एक्स को कैंसिल कर दोगे, एल मान लो, एल लेंथ पे बैलेंस हुआ तो इसको इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, है ना। फॉर अगर एल लेंथ पे बैलेंस होता है तो ऊपर का रेशियो आर अपॉन एक्स, नीचे का रेशियो एल अपॉन 100 माइनस एल, बस इतनी सी कहानी होती है, और कुछ भी नहीं करना होता, एल दिया होता है इसी में, कई बार कभी कुछ कैलकुलेशन करवा लेते हैं, कई बार कुछ घूम फिर के पूछवा लेते हैं, बस सिंपल सी इतनी सी कहानी होती है कि अपने को गिवन बैलेंसिंग कंडीशन के लिए ये रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, कि अपने को ये समझना है कि अपने को ये करना है कि दिस अपॉन दिस, यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तो आर बाय एक्स इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। बाकी जो भी होता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, कभी इसमें थोड़ा बहुत एरर्स का क्वेश्चन आता है, वो आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, वरना पढ़ोगे वो ले दे के उसकी कहानी आती है ना। सिंपल सा ही क्वेश्चन आता है, अगर आपने ढंग से सीख रखा है, आपको दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, है ना। कई बार कैलकुलेशन हो जाती है, कई बार दो इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ती है, और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसका एक सवाल दूंगा, जल्दी कुछ भी नहीं करना होता, बस आर बाय एक्स इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, बैलेंसिंग लेंथ अगर एल है तो। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन क्या करोगे, बैलेंसिंग लेंथ इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द बैलेंसिंग लेंथ इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट इज 40 सेंटीमीटर। मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इफ द रेजिस्टर्स in the gaps are interchanged, R और X को interchange कर दिया, if the resistors in the gaps are interchanged, find shift in the balancing length, ये find shift मतलब change है ना, find change in the balancing length, चेंज पूछा गया है, कितना चेंज होगा, फाइंड चेंज इन द बैलेंसिंग लेंथ, जरा सॉल्व करके आंसर बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है ना, गैप का रेजिस्टेंस मान लो कुछ आर वन आर टू होगा, है ना, क्या होगा, आर वन आर टू गैप जो थे ना, आर और एक्स माना था उसको आर वन आर टू मान लो,
और ये एल है तो वो 100 माइनस एल होगा। तो आप पहले केस में कह रहे हो कि आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू, ये 40 है ये 60 है, 40 अपॉन 60। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, वो आर टू अपॉन आर वन होगा, क्या होगा आर टू अपॉन आर वन। मैंने क्या किया, गैप्स के रेजिस्टर को इंटरचेंज कर दिया, तो कितना हो जाएगा 60 अपॉन 40। भाई जो लेंथ पहले 40 थी वो अब कितनी बढ़ के हो चुकी है 60, है ना। आर टू बैलेंस, वो अब आर टू को बैलेंस करेगा, तो बैलेंसिंग लेंथ पहले कितनी थी 40, अब कितनी हो गई 60, तो चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया, चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। भाई पहले आर वन को बैलेंस कर रहा था 40 सेंटीमीटर, अब आर वन की जगह आर टू आ गया, उसको बैलेंस करेगा 60 सेंटीमीटर, तो हमें जॉकी को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 20 सेंटीमीटर बस। चलो आज क्लास यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीटर ब्रिज के दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, फिर अपन और आगे पढ़ेंगे। जल्दी लिख लीजिए, आज की क्लास यही फिनिश होती है, जो लिख चुके हैं वो लीव कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू।